हेलो, मैं भुवनेश्वर सुथार, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा से। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि का गुणनफल। मल्टीप्लिकेशन गुणनफल जो होता है वेक्टर क्वांटिटी का, हम स्केलर के साथ कर सकते हैं और वेक्टर के साथ कर सकते हैं। अगर किसी सदिश राशि का किसी अदिश राशि से गुणनफल होता है तो कैसे किया जाता है, और दो सदिश राशियों का गुणनफल होता है तो गुणनफल कैसे होता है। तो दो सदिश राशियों के गुणनफल के लिए हम स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल के रूप में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी सदिश राशि का अदिश राशि से गुणनफल। तो माना एक वेक्टर है ए, उसका अदिश राशि के से गुणनफल किया जाता है तो हमें जो गुणनफल मिलता है के ए वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। और यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये एक सदिश है जो एक सरल रेखा पे तीर के निशान के द्वारा व्यक्त किया गया है, और इसको अदिश राशि से गुणनफल किया जाए तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। अर्थात किसी भी सदिश राशि का अदिश राशि के साथ गुणनफल किया जाता है तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं स्केलिंग हो गया, इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन हो जाता है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं रहता। दो सदिश राशियों का गुणनफल जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है सदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, एक होता है सॉरी अदिश गुणनफल और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसे अदिश गुणनफल क्यों कहते हैं, तो ये हम देख सकते हैं कि दो सदिश राशियों के गुणनफल के पश्चात हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है, तो ऐसे गुणनफल को हम क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल। और इसे दोनों सदिश राशियों के बीच में एक डॉट का साइन लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके अदिश गुणनफल को हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान जो होता है ए बी कॉस थीटा होता है, जहां पे थीटा दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सदिश गुणनफल से हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सदिश गुणनफल का जो यूज है वो किया जाता है किसी भी एक सदिश का दूसरे सदिश के सापेक्ष प्रोजेक्शन या प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए। तो दो वेक्टर चित्रानुसार प्रदर्शित हैं ग्राफ में, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का कोण थीटा है। अगर ए के अंतिम बिंदु से सदिश बी पर एक लंब खींचा जाए तो ये जिस बिंदु पर काटता है उसको ओरिजिन से मिलाने वाला जो डिस्टेंस है वो सदिश ए का बी पर प्रोजेक्शन कहलाता है, और ये इसका कौन सा घटक होता है, कॉस होता है, कॉस से ज्ञात कर सकते हैं, तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। तो ये प्रोजेक्शन शो करता है ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे जब हम दो राशियों का सदिश गुणनफल करते हैं तो कॉस थीटा का कंपोनेंट आता है, तो सदिश सॉरी अदिश गुणनफल का जो यूज है वो प्रोजेक्शन ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और वो हम कर सकते हैं ए डॉट बी अपॉन बी से। इसी प्रकार यदि बी का ए पर प्रोजेक्शन लेना है तो हमारे पास आएगा ए डॉट बी अपॉन ए, ठीक है। इसके अलावा दो सदिश राशियों या दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए भी हम अदिश गुणनफल का यूज किया जाता है, क्योंकि कॉस थीटा ज्ञात कर सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए बी से हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा, और उसका कॉस इनवर्स लेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल या इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, दो सदिश राशियों के गुणनफल के पश्चात अगर हमें सदिश राशि प्राप्त होती है तो इसे गुणनफल को क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं, और इसे दोनों सदिशों के बीच में क्रॉस का साइन लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि यहाँ पे डायरेक्शन आती है, इन दोनों के सदिश गुणनफल के पश्चात एक सदिश राशि प्राप्त होती है, जहां पर थीटा अगेन दोनों सदिशों के बीच ए और बी के बीच का कोण है, और
एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका परिमाण एकांक होता है और दिशा को व्यक्त करता है, एकांक सदिश दिशा को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। अब एन कैप की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, एन कैप की दिशा को हम दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। दाहिने हाथ के नियम का किस प्रकार उपयोग करेंगे, सबसे पहले हम अपनी उंगलियों को पहले सदिश की दिशा में खोल के रखते हैं और उंगलियों को प्रथम सदिश से द्वितीय सदिश की ओर यानी ए से बी की ओर यदि मोड़ा जाए तो अंगूठे की दिशा जो होती है वो एन कैप की दिशा अर्थात ए क्रॉस बी दोनों सदिशों की सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा हम स्क्रू के नियम से, पेच के नियम से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम पेच को दोनों सदिशों के कटान बिंदु पर रख दिया जाए और पेच को प्रथम सदिश से द्वितीय सदिश की ओर घुमाया जाए तो इसका जो सिरा है वो जिस दिशा में गति करता है वह दिशा इनके सदिश गुणनफल की दिशा को व्यक्त करता है। अब आते हैं इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो एक सदिश ए वेक्टर है, एक सदिश बी वेक्टर है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। अगर इनसे मिलके एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए यानी ए के पैरेलल एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इससे आपके पास एक समांतर चतुर्भुज आता है और इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो ए क्रॉस बी या ए बी साइन थीटा के तुल्य होता है। और हमें ये भी पता है कि जो क्षेत्रफल है वो एक सदिश राशि होती है और इस क्षेत्रफल की जो दिशा है वो इस पृष्ठ के लंबवत होती है, अर्थात सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के से बनने वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल के अंतर क्या है। तो सदिश अदिश गुणनफल जो है उससे अदिश राशि प्राप्त होती है, सदिश गुणनफल से सदिश राशि प्राप्त होती है। अदिश गुणनफल में कॉस थीटा का एक कंपोनेंट आता है और सदिश गुणनफल में साइन थीटा का एक कंपोनेंट आता है। अब हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज लें, अगर मैक्सिमम और मिनिमम चेक करें तो दो सदिश अगर पैरेलल है, समांतर है एक दूसरे के, तो थीटा का मान जीरो होगा और कॉस थीटा उसके इसमें वन होगा। स्केलर प्रोडक्ट जो है अदिश गुणनफल है उसका मान अधिकतम प्राप्त होता है, वो ए और बी के गुणनफल के तुल्य होता है। और पैरेलल के केस में थीटा की वैल्यू जीरो और साइन थीटा जीरो हो जाता है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणनफल का मान शून्य या मिनिमम प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उस केस में कॉस कंपोनेंट जीरो होता है, अर्थात स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल का मान जीरो प्राप्त होता है और सदिश गुणनफल उस केस में मैक्सिमम होता है। अगर हमें वेक्टर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, घटकों के रूप में दे रखे हैं, तो अदिश गुणनफल को हम प्रदर्शित करते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यहाँ पे जेड आएगा ए जेड बी जेड। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटरमिनेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में फर्स्ट जो रो है वो आई कैप जे कैप और के कैप एकांक सदिशों को प्रदर्शित करता है एक्स वाई और जेड दिशा में, फिर एक एक तीनों कंपोनेंट ए एक्स ए वाई और ए जेड रखेंगे, फिर बी एक्स बी वाई और बी जेड रखा जाता है। और इस डिटरमिनेंट सारणिक को अगर हल किया जाए तो ये हमें ए क्रॉस बी के तुल्य वेक्टर प्रोडक्ट या उनके सदिश गुणनफल को शो करता है। नेक्स्ट जो अदिश गुणनफल है वो कम्यूटेशन रिलेशन अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें इन दोनों का मान समान प्राप्त होता है। लेकिन ए और बी का जो सदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि ए क्रॉस बी और B क्रॉस A इसमें मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि मैग्नीट्यूड था A B sin थीटा। लेकिन इसके बाद में एक सदिश राशि n कैप और आ रही है तो गुणनफल में एक माइनस साइन एडिशनल आता है और इनका जो क्रम विनिमय नियम है उसको फॉलो नहीं करता, माइनस साइन के कारण डिफरेंस आता है। नेक्स्ट तीन वेक्टर हैं हमारे पास A B और C,
अगर दो वेक्टर को अगर ऐड कर दिया जाए, ए और बी को ऐड किया जाए और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, तो यह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। यानी ए प्लस बी में सी का डॉट प्रोडक्ट किया तो ए और सी का और बी और सी का अलग अलग डॉट प्रोडक्ट करके हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से सदिश गुणनफल भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल की। थैंक यू वेरी मच।